नमस्ते, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने बच्चों का अंतिम दक्षता जांच रिपोर्ट कैसे पोर्टल पर एंट्री करेंगे, जो समर कैंप 2023 के अंतर्गत आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब अंतिम दक्षता जांच का पोर्टल में बबल्स भी आ गया है, तो आइए मैं आज बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने पोर्टल पे। पोर्टल में खोलता हूँ जहाँ से एंट्री करना है। तो पोर्टल आप लोग खोलते हैं तो इस तरह से दिखता है, और आप लोग मोबाइल नंबर अपना डालते हैं। एक स्वयं सेवक हैं, शिक्षा सेवक हैं, कोई भी हैं तो एक डमी मोबाइल नंबर मैं डालता हूँ। ये मोबाइल नंबर डाला, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद इस तरह से बबल खुल जाता है। अब मैं इस पर टच करता हूँ, देख सकते हैं इन्होंने अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर लिया है, बेसलाइन भी डाल दिया है। अब बारी है इनलाइन की। इनलाइन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं, यह खुल जाता है। तो अब हम देखेंगे किस किस क्लास के कितने बच्चे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे छठी क्लास के बच्चे हैं और सातवीं कक्षा के बच्चे हैं। तो 8 बच्चे हमारे छठी क्लास के हैं, 8 मैंने डाल दिया। सातवीं क्लास के 7 बच्चे हैं, टोटल 15 हो गए। अब लर्निंग लेवल कैसे डालेंगे, तो मुझे फॉर्मेट पर जाना होगा। तो एक बार मैं फॉर्मेट भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये हमारा फॉर्मेट रहा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो बेसलाइन हमने जांच किया था, इसमें 6, 7 और 2 बच्चे थे। प्रारंभिक में 6 थे, अक्षर में 7 बच्चे और शब्द के 2 बच्चे थे, देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इनलाइन का क्या स्थिति है। ये इनलाइन का है और इनलाइन में हमारे बच्चे हैं 0 प्रारंभिक में, अक्षर में 2, शब्द में 2 और 5 अनुच्छेद में और 6 कहानी में पहुंच गए हैं, यानी कि प्रगति हुआ भी है। तो ये इनलाइन का मैं डालता हूँ। तो चलिए मैं अब इनलाइन को मैं बताता हूँ कैसे डालेंगे। तो हमारे प्रारंभिक में 0 बच्चे हैं, अब एक भी बच्चे नहीं हैं। अक्षर में 2 बच्चे हैं, 2 मैं डाल देता हूँ। शब्द में 2 बच्चे हैं, मैं डाल दिया। अनुच्छेद में 5 बच्चे पहुँच गए हैं, तो मैं 5 डाल देता हूँ। और कहानी में 6 बच्चे पहुँच गए हैं, तो 6 डाल दिया मैंने। अब देख सकते हैं कि अब जोड़ के मिला लेंगे हम लोग, 6, 5, 11, 2, 13 और 2, 15, यानी कि 15 के बराबर हमारा हो गया है। अगर कोई बच्चा असेसमेंट में नहीं पहुंचता है तो वह क्लास का नंबर भी घटा देंगे आप लोग, टोटल बच्चे का संख्या भी घटा देंगे, और जिस लेवल में कम रहेगा वो कम डाल करके इनलाइन डाल सकते हैं। अब जैसे ही मैं इनलाइन पर क्लिक करता हूँ, यह हमारा इनलाइन ऐड हो जाता है। अच्छा, डेट छूट गया है तो मैं आज का डेट डाल दूंगा, जिस तारीख को आप इनलाइन डाल रहे हैं। तो मैं अब क्लिक सबमिट करता हूँ, ये हमारा इनलाइन कंप्लीट। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। अगर तो पहले फॉर्मेट में डाल लीजिए और उसके बाद पोर्टल पर एंट्री कर दीजिए। धन्यवाद।